हेलो गाइस, वेलकम टू द डॉक्टर चैनल। वेलकम टू द लेटेस्ट वीडियो। आज मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ सब गुड न्यूज़ पर मिराकल यूजर्स, मिराकल बॉक्स यूजर्स के लिए दो नया गुड न्यूज़ है। वो क्या है मैं आप इस वीडियो में आपको सब शेयर करने वाला हूँ। जो है मिराकल वीवो ट्यूल का जो है लेटेस्ट वर्जन V4.22 का नया लेटेस्ट अपडेट आ गया है। इसमें और नया 75 मॉडल्स वीवो का ऐड कर दिया गया है। मोर देन 75 मॉडल जो है ऐड कर दिया गया है। इसमें कुछ लिस्ट है वीवो मॉडल का जो आप चेक कर सकते हो क्या क्या सपोर्ट है, और इससे भी ज़्यादा जो है आप सपोर्ट कर दिया गया है। तो और क्या है इस लेटेस्ट अपडेट में वो देख लेते हैं। ये जो वीवो टूल जो है ये कौन कौन मिराकल यूज़र्स को मिलेगा, जिसके पास मिराकल हुआई पैक है वो उसको उन लोगों को मिलेगा, जिसके पास मिराकल एफर पी डोंगल है उन लोगों को ये फ्री में मिलेगा। तो आपके पास अगर मिराकल डोंगल एफर पी डोंगल है तो आप ये जो वीवो टूल का जो लेटेस्ट अपडेट है आप इसको इजीली डाउनलोड कर पाओगे। नहीं तो क्या करना होगा, नहीं तो आपको एक्टिवेट करना होगा मिराकल वीवो टूल को। और क्या है इस नया लेटेस्ट अपडेट में, जो है ओप्पो A5s का मेटा रिसेट सपोर्टेड कर दिया गया है फुल्ली। देख सकते हो एडिट मोड ओप्पो A5s मेटा रिसेट सपोर्टेड, ओप्पो A3 मेटा रिसेट सपोर्टेड। यहाँ पे गौर कर लेना, A3s सपोर्टेड अभी तक नहीं हुआ, बट A3 जो है अब मेटा रिसेट में सपोर्टेड हो गया है। ओप्पो F9 का जो है मेटा रिसेट अभी इसमें सपोर्टेड हो गया है। तो फिलहाल यही कुछ नया लेटेस्ट अपडेट है इसके बारे में। और जो है कुछ नया चीज़ें इसमें फिक्स कर दिया गया है, जो बग्स था वो इसमें फिक्स कर दिया गया है। ये तो हो गया एक अपडेट के बारे में। और जो दूसरा अपडेट है वो है मिराकल हुआई टूल के लिए, हुआई टूल का लेटेस्ट जो वर्जन 2.15 उसका लेटेस्ट सेटअप अपडेट आ गया है। और इसमें क्या क्या नया आया है और कौन कौन यूज़र जो है इसको यूज़ कर पाएंगे वो देख लेता है। मिराकल हुआई टूल जो है एक मोटो टूल जो है, मिराकल मोटो टूल जिन लोगों के पास है वो हुआई टूल को यूज़ कर पाएंगे। MMC टूल जिन लोगों के पास है वो मिराकल हुआई टूल को यूज़ कर पाएंगे। तो मिराकल वीवो टूल जिन लोगों के पास है वो हुआई टूल को यूज़ कर पाएगा, MMC टूल जो लोगों के पास है वो यूज़ कर पाएगा, और मिराकल मोटो टूल जो है उन लोग यूज़ कर पाएगा हुआई टूल को फ्री में। नहीं तो क्या करना होगा, नहीं तो आपको एक्टिवेट करना होगा मिराकल हुआई टूल को। तो क्या क्या है इस नए अपडेट में देख लेते हैं। अपडेट न्यूज़ में है इम्प्रूव पीपेन ऑटो ADB डिबगिंग मोड में जो है पीपेन और भी इम्प्रूव कर दिया गया है। इम्प्रूव हुआई आईडी रिमूव, अब जो है इसमें हुआई आईडी आप रिमूव कर पाओगे, FRP रिमूव कर पाओगे ADB के मदद से। और कुछ बग्स जो था वो अब फिक्स कर दिया गया है और आप इसको और स्मूथ और इजीली चला पाओगे। तो यही था कुछ नया अपडेट के बारे में और कुछ नया लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। तो फिलहाल जो है इसमें यही कुछ अपडेट आया है मिराकल के बारे में। तो अगर आप मिराकल FRP यूज़र हो, FRP डोंगल आपके पास है तो और वीवो टूल आपके पास है तो आप इस हुआई टूल को भी यूज़ कर पाओगे और मिराकल वीवो टूल का लेटेस्ट अपडेट जो है आप यूज़ कर पाओगे। तो डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड कर लेना। और डिस्कशन का लिंक जो है वो भी दिया हुआ है, आप वहां पे जाके भी चेक कर सकते हो और यहां पे भी चेक कर सकते हो। तो फिलहाल इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में और भी नया लेटेस्ट अपडेट्स, नया लेटेस्ट ट्रिक्स, नया लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए गैजेट स्ट्रक्चर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड पास वाला बेल आइकन को दबा देना। बाय, टेक केयर।